नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1928 के बरदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों 1928 में बरदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और दोस्तों आपको ये बता दें कि यह 12 जून को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की थी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी और पूरी डेट है 10 अप्रैल 1875। और यह स्थापना या आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न में सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। तो दोस्तों झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को उड़नपरी के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों पीटी उषा को उड़नपरी के रूप नाम में से पुकारा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो दोस्तों बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां खोला था। तो दोस्तों आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत का पहला कारखाना सूरत में खोला था। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यह कारखाना 11 जनवरी 1613 में खोला गया था और एक मुगल बादशाह की इजाज़त ली गई थी जिसका नाम था जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। तो दोस्तों भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। दोस्तों भारत का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान। और दोस्तों भूटान ने 2010 में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कौन करता है। तो दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों 25 उच्च न्यायालय भारत में वर्तमान समय में उपस्थित हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न में करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। दोस्तों भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की।
दोस्तों भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि वास्को डी गामा केरल के बंदरगाह पर उतरे थे, और दोस्तों केरल को मसालों का शहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये थी हमारी आज की प्रश्न सीरीज़। आज की प्रश्न सीरीज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए फॉलो कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है रमन कुमार लेक्चर्स। वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप किस प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पर प्रैक्टिस सेट चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपकी आवश्यकता के अनुसार आपके लिए अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।